हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके टॉपर्स सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डिटेल एडवर्टाइज में हम यहाँ पर बात करेंगे कि डिफेंस की तरफ से जो है काफ़ी सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी ट्रेड्समैन और यहाँ पर फायरमैन में जो है यहाँ पर दो पोस्टें मिलेंगी तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि डेली की अपडेट्स जो है आपको यहाँ पर मिलती रहे ठीक है चलिए आप बात करते हैं यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया दो पोस्टें हैं यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की और फायरमैन की ठीक है जनरल कैटेगरी की यहाँ पर देख सकते हैं 508 जो है वो ट्रेड्समैन में है और 222 जो है वो फायरमैन में है ठीक है इस तरह से ईडब्ल्यू में देख सकते हैं ओबीसी एससी एसटी तो टोटल तो पोस्ट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, है? रिजर्व भी यहाँ पर है और पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की जो पे लेवल है वो है आपका अठारह हजार से आ, मतलब छपुंजा के बीच बीच में ठीक है और फायरमैन की सैलरी की बात की जाए तो बीस से सिक्सटी तक जो है आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ये देखिए यहाँ पर जो है आपको ये देखिए हमारे सबसे बात पहले बात आती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितनी यहाँ पर वैकेंसी है ठीक है फायरमैन में वन नाइन वन वन नाइन जो है यहाँ पर वैकेंसी और ट्रेड्समैन में यहाँ पर वन एटी वन है ये है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है बाकी ईस्टर्न साइड देखिए असम अरुणाचल नागालैंड मणिपुर फिर वेस्टर्न तरफ दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया से कहीं भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड्स में जो एज इनको यहाँ पर लिमिट चाहिए तो वो कौन सी है ये देखिए बिटवीन एटीन टू ट्वेंटी फाइव जो है यहाँ पर ट्रेड्समैन की एज होनी चाहिए ठीक है रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है फायरमैन की जो है उसकी भी 18 से 25 साल एज दी गई है ठीक है टेंथ पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ओनली आपको यहाँ पर जो है टेंथ क्लास के लिए जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए एज रिलेक्सेशन दी है कितने एस सी वालों की और यहाँ पर अप्लाई कब से करना है आप अप्लाई कर लीजिए आपको यहाँ पर फिफ्टीन डेज जो है यहाँ पर सॉरी ट्वेंटी डेज जो है यहाँ पर दिए जाते हैं आपके लास्ट डेट के लिए ठीक है और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में ठीक है ये देखिए आपका जो है पीईटी पीएसटी किस तरह से रहने वाला है ट्रेड्समैन का इस तरह से रहेगा आपको 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है 6 मिनट में ठीक है फिर दूसरा आपको वेट उठाना है पचास के जो कि आपको 200 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करना है 100 सेकेंड्स में ओके नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं आपकी जो है ये जो चालीस ईयर तक जो जिनकी एज है जो ई में आते हैं यानी कि तो उनकी यहाँ पर 1.5 किलोमीटर रनिंग है सात मिनट ग्यारह सेकंड अलग अलग यहां पर टाइम टेबल यहां पर दिया गया है ठीक है अब हम बात करते हैं फायरमैन की तो फायरमैन में जो है यहां पर ये फीमेल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इनकी भी 1.5 किलोमीटर रनिंग है आठ मिनट छब्बीस सेकंड इनको दिए जाएंगे पचास तो के इनको भी यहाँ पर वेट उठाना है और उसके बाद दो मीटर जो है इनको डिस्टेंस कवर करना है तीन मिनट पैंतालीस सेकेंड में ठीक है ये इस तरह से आप देख लीजिएगा ये सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है पूरा रिटर्न टेस्ट किस तरह से होगा जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग इंग्लिश अवेयरनेस ये इस तरह से आपका जो है दो घंटे का एग्जाम रहने वाला है और डेढ़ सौ तो मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम रहेगा ठीक है सो ये थी अपडेट्स आज की तरफ से बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में मिलते रहिए बाय बाय टेक केयर